2000 के अंदर में बेस्ट स्पीकर लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। मैं आज रिव्यू करूंगी टैग सोनिक एंगल 2 का। इसे मैंने 1800 में परचेज किया है और ये लेने लायक है नहीं आप खुद ही डिसाइड कर लोगे वीडियो के एंड तक। और अगर आपको दूसरे सजेशन चाहिए 2000 के अंदर में तो इस वीडियो के लास्ट में मैं वो भी दूंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना यार। हम कहां नहीं रहे, बस बता रहे हैं। हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। हमें मिलता है टाइप बी केबल, ऑक्स केबल और कुछ कार्ड वगैरह मिलते हैं। इसके बिल्ट इन डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में है मेटल फ्रेम, साइड में आपको रबर मिलेगा, नीचे आपको पैसिव रेडिएटर मिलेगा बेस की परफॉर्मेंस के लिए, साइड में आपको बटन्स भी मिलेंगे। और अगर आपको TWS स्टूडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक दूसरा टैग सोनिक एंगल 2 खरीद के दोनों को पेयर कर सकते हो इस बटन से। तो आपके ऊपर छोटा सा माइक भी दिया हुआ है, इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन काम चलाओ बात हो जाती है। साइज की बात करें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड ज्यादा हैवी वेट भी नहीं है, लाइट ही है। अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम अपने बैकपैक में ये स्पीकर रखना चाहते हो तो बहुत आराम से ये स्पीकर एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही आपको IPX5 की रेटिंग मिलेगी तो पानी के छींटों और धूल धक्कड़ से इसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ओहो, असली मुद्दे पर आओ, साउंड कैसी है ये बताओ। साउंड के डिपार्टमेंट में मैंने तीनों ही फ्रीक्वेंसी लो, मिड, हाई को चेक किया है। शुरू करते हैं बेस की परफॉर्मेंस से। तो बेस बहुत डीप लेवल पे अचीव नहीं कर पाता है बट फिर भी एक थम्पी एक्सपीरियंस आपको मिलता है। वोकल्स बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प हैं और बिल्कुल ही नेचुरल साउंड सुनने को मिलती है। ट्रेबल भी अच्छा खासा वेल बैलेंस्ड है। जब लो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सॉन्ग में बजते हैं तो आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सबको आराम से सुन सकते हो कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है। तो ओवरऑल इस स्पीकर से आपको वेल बैलेंस्ड साउंड सुनने को मिलती है। अगर आप चाहो तो इक्विलाइजर ऐप से थोड़ा अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। बट आउट ऑफ द बॉक्स स्पीकर की बात करूं तो मिड्स एंड हाई में बहुत अच्छा सेपरेशन है। 14 वॉट की आपको आउटपुट मिलती है तो लाउडनेस के मामले में बहुत अच्छी लाउडनेस आपको मिलेगी। साथ ही अगर आप दूसरा स्पीकर भी यूज करोगे TWS स्टीरियो कनेक्शन के लिए तो आपको 28 वॉट्स की आउटपुट मिलेगी, मतलब लाउडनेस तो दुगनी हो जानी है। हाँ, फुल वॉल्यूम पे आपको वो क्लैरिटी एंड वो साउंड डिटेल्स नहीं मिलते हैं बट 80% पे अच्छी खासी लाउडनेस के साथ आपको बहुत अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलता है। हाँ, बेस से याद है इसमें 50x80mm के बेस रेडिएटर यूज हुए हैं। इसमें 10 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है। अब टैग ने क्लेम किया है कि इसमें 10 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है। मैंने 10 घंटे लगातार तो नहीं चलाया है बट मेरे एक्सपीरियंस से 7 आवर्स और या 8 आवर्स की आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगी और डिपेंड करता है आप किस वॉल्यूम पे चला रहे हो। और फुल चार्जिंग में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तो लगी जाने। अब इस स्पीकर में मुझे दो फ्लॉज नजर आए। पहला तो ये कि इन्होंने टाइप बी केबल दिया है जबकि इस रेंज में हमें आराम से टाइप सी केबल प्रोवाइड करना चाहिए था। दूसरा, इसका जो बैटरी परसेंटेज है मोबाइल में वो शायद सही नहीं दिखाता है। जब मैं इसे यूज कर रही थी और मोबाइल में 40% की बैटरी बची हुई नजर आ रही थी मुझे इस स्पीकर की, तभी ये शुरू कर दिया, इसके अंदर से साउंड आने लगी लो बैटरी की, जो बहुत ही इरिटेटिंग थी। एंड फिर भी वो लो बैटरी नहीं थी, काफी उसके बाद भी स्पीकर चला था। तीसरा ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक नहीं है बट हाँ, थोड़ा और डीप बेस इसमें दिया जा सकता था। अब आप सोच रहे होगे कि 2000 की रेंज में तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं तो टैग सोनिक एंगल 2 ही क्यों? और कई लोग सोच रहे होंगे बोट के भी तो आते हैं, बट मैं अपनी तरफ से बता दूं ना, बोट के जो स्पीकर्स होते हैं उनकी साउंड क्लैरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब हम लोग यही सोचते हैं हार्दिक पांड्या ने इतनी ऐड की है मेहनत करके तो बोट के लाओ स्पीकर्स खरीद लेते हैं, बट बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है टैग के मुकाबले उसका। हाँ, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पोट्रोनिक्स का ब्रीज प्लस, बहुत अच्छा स्पीकर है, 2000 में आपको मिलेगा। उसका बेस टैग सोनिक एंगल से ज़्यादा अच्छा है एंड साउंड के मामले में इक्वली परफॉर्म करता है इसके। जो मेन ड्रॉबैक है पोट्रोनिक्स ब्रीज का वो है उसकी बैटरी बैकअप। उसमें बैटरी आपको 2000 mAh की मिलती है और बहुत ही कम, मतलब 2.5 से 3 घंटे की आपको बैटरी बैकअप मिलती है। और जो अभी मिल रही है तो उससे 5-6 महीने के बाद सोच लो तो वो तो और डिग्रेड होती जाएगी बैटरी बैकअप उसकी। कम बैटरी बैकअप से आप अगर काम चला सकते हो तो आप पोट्रोनिक्स बेस खरीद सकते हो, अदरवाइज टैग सोनिक एंगल 2 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है एंड अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो प्लीज़ कंसिडर करिए टकीला टी चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्या कह रहे हो, नहीं करोगे सब्सक्राइब? कर दो यार। मैं इस तरह के टेक रिलेटेड वीडियोस और गैजेट रिव्यूज लाती रहूंगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।